न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो वेलकम टू मैथमेटिक्स सीजीवे, मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स फर्स्ट चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आर्थिक नियोजन, या जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर से थोड़ा सा बच्चे डरते हैं, इसलिए मैं इस चैप्टर को शुरुआत करने जा रहा हूँ। और डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस बार के गवर्नमेंट ने आपको जैसा बताया है कि जो हार्ड पॉइंट्स था इस चैप्टर का, उसे हाल काफी हद तक बाहर कर दिया। यानी कि 4.3 जो एक्सरसाइज था, जो शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब पे डिपेंड था, जिसके बारे में अभी आप तक वो कोई नॉलेज नहीं है, तो उस चीज को इस बार के लिए सिलेबस के लिए क्या किया है, हटा दिया है। इसलिए आपके लिए टेंशन थोड़ा कम कर दिया है। यानी कि हमें इस चैप्टर में सिर्फ 2 एक्सरसाइज पढ़ना है, 4.1 और 4.2। 2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, आपका चैप्टर 4 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा, जो भी इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, कृपया करके चैनल को देखिए, वीडियो के नीचे लिखा होगा लाल रंग में सब्सक्राइब, उस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन में ऑल की बटन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन क्या होते रहेंगे, मिलते रहेंगे और आप मेरे से हमेशा संपर्क में रहेंगे। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आर्थिक नियोजन। जैसे आपको बताया गया कि कोई भी कार्य सक्सेस तभी होता है, कार्य सफल तभी होता है, जब तक आप उसका नियोजन नहीं बनाते हैं। इसलिए घर गृहस्थी अगर आपको सही ढंग से चलाना है, तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आर्थिक नियोजन, यानी कि आपको आपकी जो इनकम है उसका भी क्या करना पड़ता है, पूरे महीने भर, पूरे साल भर, या इन फ्यूचर के लिए नियोजन करके रखना पड़ता है, तभी आप क्या हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए कभी भी याद रखिए, सिर्फ आर्थिक नियोजन नहीं, कभी भी याद रखिए, किसी भी कार्य में अगर आपको सफल होना है तो आपका फुल प्लानिंग होना चाहिए। जैसे अभी आप 10वीं क्लास में हैं, तो आपने सोचा होगा कि मुझे कब कैसे कितना परसेंट लाना है, और उसके लिए मुझे पूरे साल भर किस प्रकार की मेहनत करनी, यानी कि पूरे साल भर का आपको क्या करना पड़ता है, लेखा जोखा तैयार करना पड़ता है कि कौन से सब्जेक्ट को कब क्या करना है। यानी कि एक जब तक आप प्लानिंग नहीं करते हैं, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से आपको कमाते आप कितना भी हो, लेकिन अगर आपने उसका नियोजन नहीं करते हैं, तो आखिरी में आप तक के, या बहुत इमरजेंसी केस में आप क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं। इसलिए हमेशा आर्थिक नियोजन करना चाहिए। तो आर्थिक नियोजन में आपको हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, कर के बारे में। कर यानी जिसे कहा जाता है टैक्स, और ये टैक्स पहले क्या होता था, आपको समय समय पे अलग अलग पद्धति के रूप में क्या किया जाता था, वसूला जाता था। तो भारत सरकार ने एक देश एक कर लाने की क्या किया, घोषणा किया, और ये घोषणा कब किया, 1 जुलाई 2017 को, और उन्होंने एक नया कर लाया जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी ये आपको पूरे भारत में एक ही कर लागू होता है, और उसका नाम है जीएसटी। और जीएसटी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब होता है वस्तु, वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जो वस्तु आप तक पहुंचाई जा रही है, जो वस्तु आप तक भेजा जा रहा है, उसकी सेवा के प्रति आपसे क्या किया जाता है, कुछ रकम ली जाती है, उसी को कहा जाता है कर। और ये जीएसटी को क्या किया गया है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है सी जीएसटी और एक होता है एस जीएसटी। सी जीएसटी मतलब होता है सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एस जीएसटी मतलब होता है स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, यानी कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और राज्य वस्तु एवं सेवा कर, दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मतलब आपको
मान लीजिए आपसे 100 रुपया टैक्स अगर वसूला जाता है किसी वस्तु पे, तो क्या होता है 50% किसको जाता है? केंद्र सरकार को जाता है, और 50% किसके पास जाता है? राज्य सरकार के पास जाता है। यानी कि जिस राज्य में वह कर वसूला जा रहा है, जैसे आप महाराष्ट्र में हैं, आपसे किसी वस्तु पे कर वसूला गया है, जैसे 100 रुपया वसूला गया है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार को कितना जाएगा? 50 रुपया जाएगा, और केंद्र सरकार को कितना जाएगा? 50 रुपया जाएगा। यानी कि जितना भी आपसे कर वसूला जाता है उसका 50% क्या होती है? राज्य सरकार रखती है, और 50% किसको दिया जाता है? केंद्र सरकार को जाता है। इस तरह से दोनों को इक्वल डिवाइड किया जाता है। जो भी जीएसटी की रकम आती है 50% राज्य सरकार को जाता है और 50% केंद्रीय सरकार को जाता है। या अगर रेट दिया गया है, रकम नहीं दिया गया है, रेट रख दिया गया है कि 14% या 18% क्या किया गया है उस पर जीएसटी लग रही है, तो 9% क्या होगा? सेंट्रल को जाएगा, और 9% किसको जाएगा? स्टेट को जाएगा, अगर उस वस्तु का सेवा कर की दर कितनी होगी? 18%। तो हमेशा उसको इक्वली ही डिवाइड करना है, उसमें कम ज्यादा नहीं होता है। तो जीएसटी, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है, सी जीएसटी। सी मतलब होता है सेंट्रल, जी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, और दूसरा होता है एसजीएसटी, जिसे बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। ओके, और जीएसटी की अगर सीमा देखा जाए तो जीएसटी की सीमा होती है 0% से लेकर के 28%, यानी किसी किसी वस्तु पे सेवा कर नहीं लिया जाता है। जैसे खाद्यान्न हो गए, उन खाद्यान्नों जैसे चावल गेहूं ये सब जो होता है, इन सभी पे टैक्स नहीं लगता है, तो 0% होता है, यानी कि उसमें बोल सकते हैं यानी कि उस पर टैक्स नहीं लग रहा, यानी कि 0% टैक्स है। इसके बाद आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट कितना टैक्स ले सकते हैं? 28%। ऐसा नहीं कि किसी भी वस्तु पे 28% लग जाता है, उसके लिए कैटेगरी डिवाइड किया गया है कि किन वस्तुओं पे आपको कितना परसेंट टैक्स लेना है, और वह परसेंट भी दर निर्धारित है, या तो उसको उस पे कर नहीं रहेगा, या तो अगर रहेगा तो 5%, 12%, 18% और 28%, यही परसेंटेज या यही दर से क्या किया जाता है? जीएसटी वसूला जाता है। जो बहुत हायर रेंज वाले होते हैं बाहर, जैसे लग्जरियस चीज जो होती है, उस पे हमेशा मोस्टली क्या होता है? 28% टैक्स वसूला जाता है। तो ये रेंज हो गए, मतलब आपको इस रेट पे क्या किया जाता है? वस्तु पर कर लगाया जाता है। कुछ ऐसी वस्तु होती है जिसपे 5% लगता है, कुछ ऐसी वस्तु होती है जिसपे 12% लगता है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसपे 18% तक कर लगता है, और कुछ ऐसी वस्तु होती है जो बहुत ही लग्जरियस होती है, उसमें 28% तक क्या होता है? टैक्स लगाया जाता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे, जीएसटी पूरे देश में एक ही कर नियम लागू किया गया, वो भी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। जीएसटी का फुल फॉर्म देखा जाए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दोनों को हमेशा इक्वली पार्ट में डिवाइड किया जाता है, चाहे वह रेट की बात किया जाए, चाहे वह रुपए की बात किया जाए, दोनों को हमेशा क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और जीएसटी की परास अगर यह सीमा देखा जाए तो 0% से लेकर के 28% होती है, और ये विभिन्न रेट हैं जितना आपको वस्तुओं पे क्या किया जाता है? कर वसूला। आगे समझते हैं जीएसटीआईएन। तो जीएसटी हम समझ चुके हैं, जीएसटी को दो भागों में बांटा जाता है, इसके आगे क्या है? जीएसटीआईएन। तो जिनका देखिए, जो व्यापारी होते हैं, अगर उनका पूरे साल भर का टर्नओवर यानी कि खरीदी और बिक्री, जो खरीदते हैं वो पैसा जो देते हैं या बेचते हैं जो पैसा उनके पास आता है, ये जो खरीदी बिक्री का जो पूरे साल भर का टर्नओवर है, अगर वो 20 लाख के ऊपर चला जाता है तो उनको जीएसटीआईएन नंबर लेना अनिवार्य होता है। ये जीएसटीआईएन नंबर आपको देखेंगे, जो व्यापारी होते हैं जहां से आप कपड़ा खरीदते हैं या जो भी सामान खरीदते हैं, जब वो आपको बिल देते हैं तो उनके ऊपर एक 15 डिजिट का नंबर होता है, 15 डिजिट आपको वहां पर होता है, वो उनका जीएसटीआईएन, उस दुकान का जीएसटीआईएन नंबर होता है, और वह कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का होता है। अब ये 15 अंकों में जो शुरू के जो अंक होते हैं ना, वो राज्य का सांकेतिक क्रमांक होता है। जैसे महाराष्ट्र का सांकेतिक क्रमांक क्या है? 27। तो महाराष्ट्र में अगर आप कोई भी वस्तु खरीदोगे ना, तो उसके बिल के जो जीएसटीआईएन नंबर रहेगा वहां पर 27 पहले लिखा रहेगा।
बाकी का जो 10 डिजिट रहेगा वो उसका पैन नंबर रहेगा। पैन कार्ड जो होता है उसपे जो नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, तो उस व्यापारी का जो पैन नंबर होगा वो पैन नंबर यहाँ पर लिखा रहता है 10 डिजिट का। तो 10 कितना हो गया 12। एक फिक्स रहता है वो एक हमेशा लिखा ही जाता है, जेड भी फिक्स रहता है ये भी हमेशा लिखा रहता है, और लास्ट में यहाँ पे अक्षर हो सकता है या संख्या हो सकती है, और वह क्या होता है चेक सम डिजिट होता है, यानी कि वो चेक करने का कोई एक डिजिट होता है जिसके माध्यम से उसके क्या किया जाता है चेक किया जाता है। तो ये 15 डिजिट का क्या होता है उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, यानी कि उसकी पहचान क्रमांक एक जीएसटी का पहचान क्रमांक एक नंबर हर एक व्यापारी को मिलता है जिसका साल भर का टर्नओवर कितने के ऊपर होता है 20 लाख के ऊपर का होता है। ये समझिए। इसके बाद आप देखेंगे बिल पे दो चीज कोड लिखी जाती है, या तो HSN कोड होता है या तो SAC कोड होता है। HSN कोड यानी कि जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं का एक कोड दिया जाता है, क्योंकि उसका वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है। तो जो भी वस्तु होता है वो वस्तु का नाम नहीं लिखा जाता है, नाम भी लिखा जाता है लेकिन उसका एक कोड निर्धारित किया गया कि ये वस्तु का कोड ये होगा, तो उसको बोला जाता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो हर एक वस्तु का क्या होता है एक कोड डिसाइड होता है। और वैसे ही अगर आप उपहार की वस्तुएं लेते हैं तो ऐसे समय आपको उस पर SAC कोड होता है। तो इस तरह से दो कोड उस पर आपको लिखे जाते हैं बिल, अगर आप कभी भी कोई खरीदिए तो उस पर देखिए आपको वह कोड लिखे रहते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर। और कुछ चीजें हैं इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4.1। चलिए 4.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ शब्दों को समझ लेते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कर योग्य मूल्य या जिसको बोला जाता है कर पात्र मूल्य। तो ये मतलब क्या होता है जिस मूल्य पे कर निर्धारित किया जाता है, यानी कि अगर किसी किसी वस्तु पे देखिए आपको जो छपा हुआ रहता है उस पे कोई छूट नहीं रहती है तो उसी पे कर क्या किया जाता है निर्धारित किया जाता है। जैसे किसी वस्तु पे मान लीजिए छपा हुआ है 125 रुपए, अगर दुकानदार उस पे छूट नहीं दे रहा है तो 125 रुपए क्या कहलाएगा कर योग्य मूल्य, यानी कि इस पे कर निर्धारित किया जाएगा या इसको बोलते हैं कर पात्र मूल्य। तो जो उस वस्तु पे छपा हुआ मूल्य रहता है अगर उस पर छूट नहीं दी जा रही है तो ऐसे समय कर पात्र मूल्य या कर योग्य मूल्य ये हो जाएगा। ओके, और बीजक मूल्य, बीजक मूल्य मतलब होता है जब कर उसमें जुड़ जाता है, जैसे मान लीजिए 125 रुपए है और मान लीजिए 12 रुपए इस पे कर लग रहा है तो ये दोनों को मिलाकर के जो हो जाएगा 137 ये कहलाएगा बीजक मूल्य। बीजक मूल्य मतलब उस वस्तु का वास्तविक मूल्य प्लस कर, तो दोनों को मिलाकर के जो होता है उसे कहा जाता है बीजक मूल्य। ओके, या उसे बोला जाता है कर सहित मूल्य या उसे बोलिए बीजक मूल्य। तीसरा होता है जैसे मैंने आपको बताया केंद्र का जो कर होता है वही क्या होता है राज्य का भी कर होता है, दोनों को इक्वली डिवाइड होता है, यानी कि जितना केंद्र सरकार को मिलता है उतना ही उस राज्य सरकार को भी मिलता है। तो CGST हमेशा बराबर होता है किसके SGST के, दोनों हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। और GST निकालना है तो दोनों को क्या करना पड़ता है टोटल करना पड़ता है या उसका 2 गुना कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको 14% CGST है, 14% क्या है CGST है, तो SGST भी कितना होगा 14%, यानी कि GST कितना हो गया 28%। तो परसेंटेज में भी आपको एडिंग करना पड़ेगा और अगर रकम है तो भी आप ऐड करके निकाल सकते हैं, या GST दिया है 28% तो CGST कितना हुआ 14%, यानी कि उसका हाफ, और SGST कितना हुआ 14% कितना हो गया 28%, दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो यही चीजें हैं जो आपको इसके आधार पे क्या करना है प्रसंग्रह 4.1 को हल करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है कि पावन मेडिकल्स दवाइयों की आपूर्ति करता है, एक मेडिकल है जिसका नाम है पावन मेडिकल, उसकी दुकान की कुछ दवाइयों पर जीएसटी की दर दिया है 12%, तो CGST और SGST की दर कितनी है, दर ही पूछ रहा है, दर यानी कि किसमें लिखते हैं परसेंटेज में लिखते हैं, तो क्या बोल रहा है जीएसटी की दर, कितना सिंपल सा सवाल है। देखिए स्टार्टिंग में सब एक नंबर के सवाल और जैसे क्वेश्चन में आते हैं, तो जीएसटी की दर दिया गया है कितना दिया है 12%। अब आपको बोल रहा है कि सीजीएसटी की दर कितनी होगी और एसजीएसटी की दर कितनी होगी,
तो आपको बताया गया कि सीजीएसटी की दर जितनी होती है उतनी ही क्या होती है एसजीएसटी की भी दर होती है, और दोनों क्या हो जाएगी जीएसटी के आधे, यानी कि 6% किसको जाएगा सीजीएसटी के और 6% किसको आएगा एसजीएसटी को आएगा। तो हम लोग यहां बताएंगे सीजीएसटी की दर बराबर एसजीएसटी की दर, दोनों की दर क्या होती है बराबर होती है, और वो क्या होती है जीएसटी की हाफ होती है, यानी कि दोनों को देना है तो 12% का हाफ कितना होगा उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 12% का हाफ कर दीजिए कितना आ जाएगा 6%। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा सीजीएसटी की दर बराबर 6% और एसजीएसटी की दर कितना आ जाएगा 6%। हमेशा याद रखिए इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, जीएसटी अगर दिया है तो उसको हाफ करिए, और अगर एसजीएसटी सीजीएसटी दिया और जीएसटी निकालना है तो उसका दुगना कर दीजिए। ओके, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सीजीएसटी की दर दिया है 9% और हमें क्या ज्ञात करना है एसजीएसटी की दर और सीजीएसटी की जीएसटी की दर, दो चीजें ज्ञात करना है। तो सीजीएसटी दिया है तो सीजीएसटी की दर जितनी होती है उतना ही किसका होता है स्टेट का भी होता है, तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा सेम। तो इसके लिए हम बताएंगे कि सीजीएसटी की जो दर होती है वो बराबर होती है किसके एसजीएसटी की दर, दोनों की दर क्या होती है समान होती है, इसलिए एसजीएसटी की दर कितनी हो जाएगी कितनी है सीजीएसटी की 9, उतनी क्या होगी एसजीएसटी की होगी, तो एसजीएसटी की दर भी कितनी हो जाएगी 9%। तो सीजीएसटी की 9% है एसजीएसटी की 9% है, तो जीएसटी की दर कितनी हुई इसको कैसे निकालोगे, तो जीएसटी की दर बराबर दोनों को क्या करोगे जोड़ दोगे सीजीएसटी की दर प्लस एसजीएसटी की दर, या किसी का भी एक का दोगुना कर दीजिए जोड़ के दिखा दीजिए। चलिए तो जोड़ेंगे यह क्या है 9%, ये भी कितना है 9%, 9 के जोड़ के कितना हो गया 18%। अब फाइनल आंसर हमेशा लिखना ना भूलें, तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे हमें क्या क्या पूछा था एसजीएसटी की दर, तो एसजीएसटी की दर आ गया कितना 9% और जीएसटी की दर कितना आ गया 18%। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बहुत छोटे छोटे थे, आसानी से आप क्या किए उसको हल कर लिए, ऐसे रकम भी दिया रहेगा तो रकम का भी आप क्या कर सकते हैं हाफ या दुगना करके ऐसे जो भी पूछा रहेगा उसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि एक मेसर्स रियल पेंट की दुकान है, वहां से क्या किया जा रहा है 2800 रुपए में लस्टर पेंट के 2 डिब्बे बेचे जा रहे हैं, और हर एक डिब्बे का जो कर पात्र मूल्य है वो बताया गया 2800 रुपए, हर एक डिब्बे का, एक डिब्बे का कर पात्र मूल्य कितना है 2800, बेचे गए कितने गए 2, अगर एक 2800 में बेचा गया है तो दूसरा कितना का दोनों का मूल्य कितना हो जाएगा एक का कर पात्र मूल्य, मतलब मैंने बताया था जिस पर कर जिस मूल्य पे कर वसूला जाता है, यानी कि ये उस पर छपा हुआ मूल्य है 2800 रुपए, और इस पर क्या क्या ऐसे कितने डब्बे बेचे जा रहे हैं 2, यानी कि 2 से 2 अगर बेच रहा है तो उसका कर पात्र मूल्य कितना हो जाएगा उसका 2 गुना हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है जीएसटी की दर अगर 28% है, जीएसटी की दर दिया गया है 28%, उस पर जीएसटी कितना वसूला जा रहा है 28%, इस मूल्य का 28% जीएसटी वसूला जा रहा है, तो पूछ रहा है कि कितनी रकम सेंट्रल को जाएगी सीजीएसटी को जाएगी और कितनी स्टेट को, रकम पूछ रहा है इस बार परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, अगर परसेंटेज पूछता तो हम क्या करते थे 28 का आधा आधा कर देते थे 14-14%, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है रकम पूछ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे रकम निकालेंगे। तो फिलहाल अगर एक लस्टर पेंट का कर पात्र मूल्य 2800 रुपए है तो उसने बेचा कितने 2 लस्टर पेंट का कर पात्र मूल्य बराबर 2800 गुणे क्या हो जाएगा 2, दोनों का गुणा कर दिया कितना आ गया 5600 रुपए। ओके, यहां तो 5600 रुपए क्या हो गया उसका कर पात्र मूल्य हो गया टोटल दोनों डिब्बे का। अब इस पे जीएसटी की दर दिया गया है, जीएसटी की दर
बराबर कितना है 28% में। ये तो दर है, लेकिन जीएसटी की रकम कितनी है उसको निकालना है। तो जीएसटी की रकम मतलब कितनी रकम जीएसटी की बन रही है वो निकालना है। तो रकम किस पे निकालेंगे, कर पात्र मूल्य पर। कितना परसेंट उसका 28%। कितना कर वसूला जा रहा है, जो रकम है उसका 28%। जो रकम है यानी कि 5600 का कितना परसेंट, 28%, और परसेंट मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो ये हो जाएगा 5600 गुणे 28/100। सुनना से सुनना क्या हो गया, कट गया। अब 56 का बड़ा हम लोग क्या करेंगे, 28 में कर देंगे। 48 लगा 4, 40, 40, 44, 56 में 112 जोड़ लीजिए 8651। एक बार फिर से जोड़ दीजिएगा, सही है। तो 1568 रुपया क्या हुआ, कर उस पर वसूला गया। यानी कि दोनों पेंट जब बेचा गया तो कितना कर मिला, 1568। अब पूछ रहा है कितना स्टेट को मिलेगा और कितना केंद्र को मिलेगा, मतलब एस जीएसटी की रकम कितनी हुई और सी जीएसटी की रकम कितनी हुई। तो आपको पता ही है सी जीएसटी की जो रकम है वो बराबर होती है किसके, एस जीएसटी के रकम के, और दोनों की रकम उसकी हाफ होगी किसकी, जीएसटी की रकम की आधी हो जाएगी। तो यानी 1568 का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ करेंगे कितना आता है, 2×7=14। यहां लिख देंगे एस जीएसटी की रकम, चलिए डिवाइड करिए, 2×7 हो गया 7 बार गया, फिर एक बचा 2×8=16, 2×4=8, यानी 784 रुपए। तो एस जीएसटी की रकम हो गई कितनी, 784 रुपए, और सी जीएसटी की रकम कितनी हो गई, दोनों का सेम होगा 784। तो कितना सिंपल है, पहले हमने क्या किया, जीएसटी निकाल लिया, जितना जीएसटी है उसका हाफ कर दिया, तो एस जीएसटी और सी जीएसटी दोनों रकम हमें क्या हो गई, पता चल गई। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक रिस्ट वॉच का कर पात्र मूल्य, रिस्ट वॉच का बेल्ट, रिस्ट वॉच नहीं बेचा उसका बेल्ट, यानी कि ये जो पट्टा होता है घड़ी का, हाथ की कलाई में जो घड़ी पहनते हैं, इसकी जो पट्टी है, ये पट्टी का कर पात्र मूल्य कितना है, 586 रुपए। यानी कि 586 रुपए में क्या किया जा रहा है, वो आपको उसका मूल्य है, और उस पर वसूला जा रहा है जीएसटी, कितना वसूला जा रहा है, यानी कि उसको जीएसटी कितना पे करना है, 18%। तो पूछा जा रहा है कि वह जो बेल्ट है, ये जो घड़ी की बेल्ट है, ये बेल्ट उस ग्राहक को कितने रुपए में पड़ी, क्योंकि तो उसका मूल्य तो 586 है, लेकिन उसको क्या करना है, उस पर कर भी देना है, कितना परसेंट कर देना है, 18%। तो कर बीजक मूल्य हमें क्या निकालना है, कर बीजक मूल्य यानी कि कर सहित मूल्य निकालना है। ये तो आपको क्या हुआ, कर पात्र मूल्य हुआ, लेकिन ग्राहक को वह बेल्ट कितने पड़ा, इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे, जीएसटी की रकम निकालेंगे और कर पात्र मूल्य में उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वह बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में पड़े। फटाफट हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी जीएसटी की रकम निकाल लेते हैं। तो जीएसटी की रकम मतलब क्या हो गया, आपको 586 का 18%, क्योंकि उसको कर किस पे देना है, कर किस पे वसूला जाता है, कर पात्र मूल्य पे। तो 586 का 18% मतलब 18/100, 18 से गुणा कर दीजिए और 2 अंबार दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि 100 से भाग देना, 10 से भाग देना, मतलब जितने जीरो उतने अंबार दशमलव लगाना। तो 18×108 हासिल लगेगा 10, 18×8=144, 44 और 10 कितना हो गया, 154 हासिल लगा, कितना 15, 18×5=90, 90 और 15 कितना होता है, 105। अब इसमें क्या करना है, 2 अंबार दशमलव लगा देना है, तो कितना हो गया, 105.48। ये क्या हो गया, जीएसटी की रकम हो गई, यानी कि उसको इतना रुपया क्या करना पड़ रहा है, कर भरना पड़ रहा है।
अब 4-8 है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4-5 भी कर सकते हैं, 4-8 तो पैसा उतना होता नहीं, जिसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 105.5 जी। ओके, या आपको जितना दिया उतना लिखिए, अपने को क्या करना है उसको दशमलव, तो ये इतना उसने क्या किया जीएसटी की रकम। अब उसको घड़ी कितने रुपए में पड़ी, यानी कि क्या निकालना उसका कर बीजक मूल्य। कर बीजक मूल्य मतलब समझते हैं, समझते होंगे, मैंने उसे अभी बताया था। कर बीजक मूल्य मतलब क्या करना, कर पात्र मूल्य प्लस जीएसटी की रकम को क्या करना ऐड कर देना। तो कर पात्र मूल्य प्लस जीएसटी की रकम, तो कर पात्र मूल्य कितना था 586। अब उसमें कितना ऐड कर दोगे 105.48। इसको ऐड करने का मतलब है, देखिए ये 586 है, इसमें दशमलव नहीं, मतलब दशमलव बाद क्या है उसके पास 0 0 है, उसमें जोड़ना हमें कितना 105.48। ये जगह 4 8 6 5 11 9 6, 691.48 रुपए। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वह बेल्ट ग्राहक को 691.48 रुपए में पड़ी। ओके, ये हुआ हमारा क्वेश्चन।